हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल माय सेल्फ मेघा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें पता करना है हमारी ट्रेन किधर है तो वो कैसे पता करें, या फिर ट्रेन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें पता करनी है तो वो हम कैसे पता करें और उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन सबसे बेस्ट रहेगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच जाए, और अगर आप बेल आइकन को क्लिक कर लोगे तो मेरे न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड कर लिया है। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको उधर से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करके बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। गाइज़, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस दिखेगी। इधर आप यहाँ पे कोई भी ट्रेन का नंबर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो ट्रेन किधर है। तो मैंने सर्च कर लिया। तो गाइज़, आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी रनिंग स्टेटस दिखा रही है और इधर से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इधर है। तो इसी तरह आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे गाइज़ आप सर्च कर सकते हो आपको जिधर से जाना है उस स्टेशन का नाम, और यहाँ पे आपको जहाँ तक जाना है उस स्टेशन का नाम। तो मैंने डाल दिया। अब इधर से हमने सर्च कर लेना है तो आपको इधर दिख जाएगी कि कौन सी ट्रेन यहाँ से वहाँ तक कितने बजे जाने वाली है। और यहाँ पे अगर आप कोई स्टेशन का नाम सर्च करते हो तो आपको पता चल जाएगी कि उस स्टेशन पे कौन सी ट्रेन कितने बजे तक आने वाली है। इधर से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और गाइज, इधर से आप सीट चेक कर सकते हो कितनी सीट्स हैं ट्रेन में। तो यहाँ पे हमें जिस स्टेशन तक जाना है उसका नाम डाल देना है, और यहाँ पे हमें जर्नी डेट डाल देनी है, और इधर से हमें ट्रेन सेलेक्ट कर लेना है कौन से ट्रेन से जाना है। उसके बाद हमें फाइंड सीट अवेलेबिलिटी इस पर क्लिक कर देना है। इधर से आपको पता चल जाएगा कितनी सीट्स हैं। और गाइस, इस एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आप खुद सीख जाओगे इसको यूज़ करना। और ये एप्लीकेशन ट्रेन की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। ये आपको एकदम राइट टाइम बताती है सब कुछ की। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, और आपको अगर मेरे से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।